आकाश यार, इस महीने रेंट का लेट हो जाएगा, तू संभालेगा क्या? मतलब यही कि अभी पूरा रेंट तू दे दे, 8-10 दिन बाद मैं मेरा शेयर दे दूंगा। अच्छा चल ठीक है, मैं संभाल लूँगा, पर जब तक तू पैसे नहीं देगा तब तक घर का सारा काम तू करेगा। यार मैं तुझसे छोटी सी हेल्प मांग रहा हूँ। हेल्प मांग रहा बेटे? हेल्प नहीं, इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं तुझ पर, और जो जो तू घर का सारा काम करेगा ना वो मेरी इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट है, समझा? अमित नाश्ते में क्या बनाया? पोहा बनाया भाई, वो आज मेरे भाई का एग्जाम है तो उसे सेंटर लेकर जाना है, इसे जल्दी जल्दी में पोहा बना दिया। तेरे ड्रामे को ज़्यादा नहीं बढ़ गए? एक तो तू अपने भाई को ले आया यहाँ पे हैं, और आज सैटरडे है ना, पराठे बनने थे, पोहा क्यों बनाया? आकाश देख, मेरा भाई आज के लिए आया है क्योंकि उसका आज एग्ज़ाम है, कल वो चला जाएगा, और रही बात पराठों की तो आज के लिए एडजस्ट कर लेना भाई। एडजस्ट कर लूँ? एक तो तू रेंट टाइम पर नहीं देता, मैं वो एडजस्ट करूँ हैं? तू अपने भाई को यहाँ ले आया, मैं वो भी एडजस्ट करूँ? तू नाश्ता नहीं बनाता, मैं वो भी एडजस्ट करूँ? भाई सुन, अब एडजस्ट नहीं कर सकता, समझा? इसलिए जल्दी कर, मेरे लिए पराठे बना। आकाश उसमें टाइम लगेगा, तू समझना। समझा कर। आकाश। हाँ भाई चल, बहुत पढ़ लिया, जा अपने भाई के साथ पराठे बना। आकाश मेरे भाई को इन सबसे दूर रख, उसका एग्जाम है अभी। अच्छा लगता है तो खुद को कॉलेज का हीरो समझने लगा है फिर से। बेटे जीरो है तू, समझा? एक बहुत बड़ा जीरो, और लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। चल रेंट निकाल। मैंने तुझे पहले ही बोला था कि इस महीने देरी से दूंगा। सुन मुझे ना फालतू की बहसबाजी नहीं करनी, अगर रेंट नहीं है तो सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। आकाश भैया ऐसा मत करो प्लीज, मेरी वजह से आप भैया को बाहर क्यों कर रहे हैं? आप दोनों दोस्त हैं ना, मैं बना देता हूँ आपके लिए पराठे। ओ भाई कोई पराठे वराठे नहीं खाने मुझे, तुम दोनों अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो यहाँ से। तू ये सब सही नहीं कर रहा है। मैं ज्ञान के सागर, निकल यहाँ से, समझा? सर आपने बुलाया? आपको कल से ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। सर ऐसे अचानक से? सर मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, सर माय हस्बैंड इज़ आल्सो जॉबलेस। मानसी देखो कोरोना की वजह से ना कंपनी कॉस्ट कटिंग कर रही है, इसलिए आपको कंपनी से निकाला जाता है। सर प्लीज़ सर गिव मी वन चांस, सर प्लीज़। ओह हमें सर मान जी ये हमारे नए इन्वेस्टर हैं और मुझे इनके साथ मीटिंग पे ले जाना है। ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। मानसी तुम यहाँ कैसे, और तुम रो क्यों रही हो? सर एक्चुअली मैनेजमेंट ने मानसी को नौकरी से निकाल दिया है क्योंकि ये काफ़ी स्लो है न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर। स्लो है बस स्टडी है, न्यू चैलेंजेस आने के बावजूद भी इन्होंने गिव अप नहीं किया है। मैं जानता हूँ इनका पोटेंशियल, इनका टर्मिनेशन रुकवाओ अभी। थैंक यू अमित, थैंक यू सर। हेलो। हेलो अमित, मैं आकाश बात कर रहा हूँ। हाँ आकाश कैसा भाई तू, आज इतने सालों बाद कॉल कैसे? अमित मुझे माफ़ कर दे यार। अरे भाई माफ़ी किस चीज़ की मांग रहा है तू? भाई तेरे को पता था कि मानसी मेरी वाइफ है, फिर भी तूने उसे बचा लिया उसकी जॉब जाने से। क्योंकि वो डिजर्विंग है भाई, इसीलिए। मैंने तेरे और तेरे भाई के साथ कितना बुरा किया, बट तूने फिर भी। देख यार वो तो मैं कब का भूल चुका हूँ, कहते कि दोस्तों से ज़्यादा दिन नाराज़ नहीं रहना चाहिए, लेकिन एक बात मैं तुझे ज़रूर कहूँगा, लाइफ में कभी भी कंपटीशन दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, खुद के साथ करना चाहिए, और दोस्तों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, समझा? समझ गया भाई। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा सुना तू जॉबलेस है? हाँ भाई 3 महीने से जॉबलेस हूँ, खाली बैठा हूँ घर पे। आ जा और खाली बैठ, कल एक काम करियो मानसी के साथ ऑफिस आ जाइए।
एचआर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देगा। बट भाई बिना इंटरव्यू के? यार दोस्त है तू मेरा और मैं तेरा पोटेंशियल जानता हूँ। ठीक है चल। ठीक है आकाश कल मिलते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus। जोर से बोलो हैप्पी डी।